सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में आपको व्हाट्सएप के 3 सीक्रेट ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो काफी ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला ट्रिक है कि कैसे आप व्हाट्सएप प्रोफाइल को हाइड कर सकते हो। दोस्तों, अब आप बहुत ही आसानी से इंडिविजुअल व्हाट्सएप प्रोफाइल को हाइड कर सकते हो। पहले क्या था कि हम नोबडी कर देते थे, तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप प्रोफाइल कोई भी नहीं देख पाता था। लेकिन दोस्तों, अब आप एक एक बंदे को हाइड कर सकते हो, जिसको आप चाहोगे वो बंदा आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल को कभी भी नहीं देख पाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो सेकंड ट्रिक है कि कैसे आप व्हाट्सएप के लास्ट सीन को हाइड कर सकते हो। दोस्तों, आप जिसको हाइड कर दोगे वो कभी भी आपके व्हाट्सएप का लास्ट सीन नहीं देख पाएगा। इसके बाद दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड ट्रिक है कि कैसे आप अपने ऑनलाइन सीन को हाइड कर सकते हो। क्योंकि गाइस, जब हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन होते हैं तो सामने वाला बंदा हमारे ऑनलाइन सीन को देखकर यह समझ जाता है कि हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हैं। दोस्तों, अब आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन सीन को हाइड कर सकते हो एक ट्रिक यूज करके। सामने वाले को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप के लास्ट सीन को हाइड कर सकते हो। आप किसी से अपने लास्ट सीन को कैसे छिपा सकते हो, ठीक है? सिंपली आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन करना है। आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट सीन, ठीक है? आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? एवरीवन पर टिक होगा। एवरीवन का मतलब यह है कि कोई भी आपके लास्ट सीन को देख सकता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, हमें तो इंडिविजुअल लास्ट सीन को हाइड करना है। जैसे हमें इस बंदे को अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको यहां पर कॉन्टेक्ट लिस्ट शो हो जाएगा, ठीक है? आपको उस बंदे को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हो। जैसे हम यहां पर सर्च कर लेते हैं अमित कुमार, अब हम टिक कर देते हैं, ठीक है? अमित कुमार पर हमने टिक कर दिया। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब कभी भी इस बंदे को हमारा जो लास्ट सीन है वो शो नहीं होगा, हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है? जैसे अब हम ऑफलाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप को बंद कर देते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो अभी भी ऑनलाइन सीन शो हो रहा है, ठीक है? अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ सेकंड का। लेकिन अब हम इसको बंद करते हैं और फिर से व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट सीन शो नहीं हो रहा है, लास्ट सीन शो नहीं हो रहा है। इस तरह गाइस, आप इंडिविजुअल लास्ट सीन को हाइड कर सकते हो, ठीक है? अब चलिए मैं आपको सेकंड ट्रिक के बारे में बताता हूं कि कैसे आप इंडिविजुअल प्रोफाइल को हाइड कर सकते हो। जैसे आप यहां पर देख सकते हो प्रोफाइल शो हो रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, अब आप इंडिविजुअल बहुत ही आसानी से प्रोफाइल को भी हाइड कर सकते हो। आप जिसको चाहो उसको हाइड कर सकते हो। दोस्तों, वो बंदा आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल को कभी भी देख नहीं पाएगा, ठीक है? आपको सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करना है। आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन करना है। आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, जाना है प्राइवेसी में। आपको यहां पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल फोटो, ठीक है? आपको इस पर क्लिक करना है। सेम ऑप्शन यहां भी आपको मिलेगा, ठीक है? आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट। आपको उस बंदे को यहां से सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप व्हाट्सएप प्रोफाइल नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है? तो हम नंबर सर्च कर लेते हैं, अब हम टिक करते हैं, ठीक है? दोस्तों, अब हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे व्हाट्सएप प्रोफाइल हाइड हो जाएगा, ठीक है? यहां पर हमने ओके किया, आप देख सकते हो व्हाट्सएप प्रोफाइल हाइड हो चुका है, ठीक है? इस तरह गाइस, आप व्हाट्सएप प्रोफाइल को इंडिविजुअली हाइड कर सकते हो, ठीक है? जिसको आप चाहोगे सिर्फ वही बंदे आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल को देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप और लोगों को हाइड करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली आपको यहां से उन बंदों को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप व्हाट्सएप प्रोफाइल नहीं दिखाना चाहते हो। इस तरह गाइस, आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को छिपा सकते हो। अब चलिए मैं आपको थर्ड ट्रिक के बारे में बताता हूं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखोगे, जैसे हम व्हाट्सएप पर इस टाइम पर ऑनलाइन है, ठीक है, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, अगर हम इस फोन में चैट को ओपन करते हैं तो ऑनलाइन सीन शो हो रहा है, ठीक है? ऑनलाइन सीन शो हो रहा है। आखिर हम इसको कैसे हाइड करें, ठीक है? काफी सारे लोगों की
ये प्रॉब्लम होती है, वो ऑनलाइन सीन को हाइड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्रोफाइल को हाइड कर दिया है, लास्ट सीन को हाइड कर दिया है, तब भी दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन सीन शो हो रहा है, यानी हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हैं तो सामने वाले को पता चल रहा है कि हम ऑनलाइन हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको भी एक ट्रिक यूज करके हाइड कर सकते हो, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करोगे, मैसेज भेजोगे, रिसीव करोगे, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहां पर आपको सर्च करना है नोटिस सेव, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 7.6 MB का एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसको यूज करना है। सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, परमिशन को अलाउ कर देना है। अब इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर इनेबल कर देना है, ठीक है। इस तरह आपको बैक आना है। तो दोस्तों इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जैसे मैसेज करते हैं, यहां पर हम मैसेज करते हैं तो आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, ठीक है, मैसेज आ चुका है। अब हम इसका रिप्लाई यहां से कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर हम रिप्लाई कर देते हैं, आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है। इस तरह गाइस आप इस एप्लीकेशन को यूज करके किसी से भी चैटिंग कर सकते हो, आपका जो ऑनलाइन सीन है सामने वाले को कभी भी शो नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे हम चैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर ऑनलाइन सीन शो नहीं हो रहा है, मैसेज आ रहा है बार बार, आप देख सकते हो मैसेज फटाफट आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन सीन शो नहीं हो रहा है। इस तरह गाइस आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हो, सामने वाले को कभी भी आपका ऑनलाइन सीन शो नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।